इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जटायु जी के स्मरण में संपादी ने कथा इनको सुना दी थी। अंगद जी महाराज ने जब चर्चा छेड़ी तो अंगद जी कहते मैं पार तो जाऊंगा लेकिन आने में संदेह है। कारण वो तो अंगद जी जाने अंगद जी जानते हैं कि श्री हनुमान जी को ही जाना है क्योंकि राम कार्य यही करने आए हैं, अथवा तो राम जी ने जो कार्य इन्हीं को सौंपा है उसके लिए मैं क्यों जाऊं। प्रभु ने किसको काम सौंपा? परसाशीष सरोरुह पानी क्रमद्रिका दीन जन परसा कहे बल भी रह कि तुम आयो। जब काम इनको सौंपा गया तो मैं क्यों जाऊं। और इसका ध्यान रखिए, जिसका जो काम है वही करे, दूसरे का काम हम न करें। दूसरे को उसका काम करने दें, हम हमारा काम करें। कई लोग बड़े अद्भुत होते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं लेकिन दिखाई सब जगह पड़ते हैं। मैं तो जानता नहीं किसी को, लेकिन होंगे यहां भी ऐसे महापुरुष, करेंगे कुछ नहीं भैया दिखते रहेंगे सब जगह। थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहां नहीं, बढ़ते नदराव लहर गया, जहां भोजन मिला वहीं ठहर। अद्भुत भगवान ने कृति की है साहब, अद्भुत। पुरा नहीं है, बहुत समाज में तो दो चार लोग होते हैं। जय जय। अब जामुन दावा सोचने लगे कि जिनको कार्य करना है वो कहाँ है, जिनको कार्य करना है वो तो भगवान के भजन में लगे हैं। श्री राम जय राम, बल पवन देव के समान है। बुद्धि विवेक के आप खजाना है,
जगत का ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे संभव नहीं है? सब संभव है, परंतु श्री हनुमान जी अपने परमात्मा के पावन स्मरण में ही लगे रहे। प्रशंसा प्राणघाती नहीं होती है। भगत को स्व प्रशंसा से बचना चाहिए। कान में जितनी प्रशंसा आएगी उतना पुण्य नष्ट करेगी। प्रशंसा पुण्य को नष्ट करती है। प्रयास हो कानों को अच्छा बोल लगता है तो बचना, जितना हो सके बचा जाए। श्री हनुमान जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, जो भी हमारी प्रशंसा कर रहा है उसके बदले में उसको कुछ न कुछ चाहिए। अकारण लोग प्रशंसा नहीं करते। कुछ स्वामी जी का एक पद है, बेमन से चाटुकारिता करता है करता है युद्ध है, नहीं करना चाहता है फिर भी करता है। करेंगे तो कुछ ना कुछ लाभ होगा। लेकिन जामवंत बाबा ने ऐसा नहीं किया। जामवंत बाबा कहते हैं, आप तो ऐसे हैं ही, कठिन से कठिन कार्य आप संपादित कर देते हैं। अस्त यहां आप आए हैं और जिस निमित्त आए हैं उसके लिए तत्पर होइए। परमात्मा की कृपा भई। और तब जामवंत जी महाराज ने कहा, राम काज लगी
जामंत बाबा की सुनकर राम का करने लगे। बार एक बार लीला लीला में समुद्र लांघ जाऊंगा, सहायकों समेत रावण को मार दूंगा, त्रिकूट को उखाड़कर समुद्र में छोड़ दूंगा, नहीं नहीं मां को ले आऊंगा। क्या क्या करना है बोलिए। अरे जामंत बाबा बोले, पहले नीचे तो आओ महाराज, नीचे आओ। श्री हनुमान जी ने पूछा, इतना जामंत बाबा ने काम सौंपा, इतना पूछा, इतना काम सौंपा, क्या सीते ही देख कहो सुधी आई। बस बस, और ऊपर जो कहे आए वो बोले अपना काम नहीं है। ये बात दूसरी बार आई है, जिसका जो काम है वही करे। कार्य का बंटवारा तो होना ही चाहिए। विद्यालय हो, चिकित्सालय हो, देवालय हो, काम का बंटवारा होना चाहिए। संस्था हो, परिवार हो, कौन क्या करेगा, यदि बंटवारा नहीं हो तो दो तीन लोग करते 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 मर जाते हैं, और जो लापरवाह लोग होते हैं वो कमी बताते बताते रह जाते हैं। ठीक नहीं हुआ, ये भी ठीक नहीं हुआ, आपने किया क्या, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। काम का वर्गीकरण अवश्य होना चाहिए, कौन क्या करेगा। देवताओं के यहां भी बंटवारा है। कुबेर जी वित्त मंत्रालय देखते हैं ना। भगवान ब्रह्मा जी निर्माण विभाग देखते, जगत को बना देते। भगवान विष्णु पालन तंत्र देखते। देवराज इंद्र सब देवताओं का संचालन करते हैं। तेज भाव अग्नि नारायण देखते, सब कुछ सबको दिखे, ये सूर्य नारायण के पास है, शीतलता चंद्रमा के पास है, श्वास प्रश्वास अश्विनी कुमार के पास है, वैद्य विभाग धनवंतरी भगवान के पास है, सब समन्वय विभाग भोले बाबा के पास है। सबका कार्य वर्गीकरण के साथ है, ऐसा नहीं कि जिसको जो मिला वही कर रहा है, नहीं। इसको समझकर ही भजन पूजन भी करना चाहिए। शक्ति सबको शक्ति से प्राप्त है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।